सफर की शुरुआत हो गई है और रोहित भैया हमारे साथ जुड़े हैं। जिस तरह से जी हमारे साथ नीलकंठ में जुड़े थे, तो अभी टाइम हो रहा है 11 और यहाँ पे हम पी रहे हैं चाय। कानपुर पहुँचे हैं, सफ़र स्टार्ट किया था। पहले कचौड़ी देख लो यार, निकली आज कचौड़ी धनिया वाली। यस, तो यहाँ पे अभी हम पी रहे हैं चाय और घर से जब निकले थे तो टाइम हो रहा था 9 और इट्स 11 o'clock। तो बनारस का सफ़र हमारे घर से 800 किलोमीटर का था और हंसते गाते नाचते हुए हमने पूरी रात ट्रैवलिंग करी और जो गाना बजता रहा, स्पेशली सपना चौधरी का, उस पर हम दमक के नाचे। तो पूरी रात ट्रैवलिंग करने के बाद सुबह हुई और सुबह का नज़ारा देखने लायक था। सुबह हम पहुंच गए थे नियरली 5 बजे इलाहाबाद प्रतापगढ़ हाईवे पे और बस थोड़ी ही देर में रोशनी निकलने वाली थी और ये निकली आई रोशनी और फिर जो भाई सीन था ना हाईवे का, वो मज़ा आ गया। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन था बनारस घूमने के लिए। जैसे ही हम बनारस पहुंचते हैं, वहां पे एक लोग हमें मिलते हैं और वो कहते हैं अगर बनारस को जानना है तो बनारस के घाटों पर ज़रूर जाइएगा। लेकिन भैया, उनको कौन समझाए कि हमारे पास एक ही दिन है और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करना हमारी प्राथमिकता है। तब बहुत साफ थी, लेकिन अब इसकी हालत बहुत ही गंदी हो चुकी है, अब इसको धुलवाना ही पड़ेगा। तो हाँ हाँ जी, इनको तो हमें कतई भरोसा नहीं। किनको? तुमको? अच्छा, अगर लद्दाख गए हाँ तो तुम जरूर चलो। ओ मैन, वी आर प्लानिंग फॉर लद्दाख सितंबर में। भाई गाड़ी देखो पूरी रंगीन हो चुकी है ये 12 घंटे के सफ़र में। और हम लोग बनारस में यहाँ पे उतरे हैं और जहाँ पे हम रुके हैं वो जगह बहुत ही VIP है। सुमित भैया ने एंट्री मार दी है, रोहित भाई ने एंट्री मार दी है, एंड हेयर गो मी पे। रोहित भाई ने पहले ही रूम बुक कर दिया था, यहाँ के रूम का कॉस्ट है 4,500 रुपये एक नाइट का। तो ये देखो भाई, गजब यार, बहुत ही बढ़िया स्पेस है। तो जब फरखाबाद से निकले थे तो मैंने सोचा था कि बनारस का मौसम तो कम से कम खुला होगा, क्योंकि अगर बनारस का मौसम अगर ऐसा टाइट रहेगा तो घूमने का कुछ फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग का प्लान बहुत बड़े बड़े हैं। अभी काशी विश्वनाथ जी जाएंगे, फिर वहाँ पे जितने भी, अभी मैं लोकल वालों से पता किया तो 84 घाट थे पहले, लेकिन अब यहाँ पे हो चुके हैं 108 घाट, क्योंकि जो 80 घाट था उसका नाम बता रहे 108 घाट रख दिया। अब मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं इसके बारे में। अभी रोहित भैया जो है नींद में है, आँखें इनकी लाल हो चुकी हैं। और भैया उठो, नहीं उठे भैया, कह रहे सर दर्द सर नहीं भैया, रोहित आँखें देखो रोहित भैया, गंदा दो यार सर दर्द। अरे यार, चलो भाई अभी जो है हम सब रेडी हो गए हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। ये रहे हमारे मनु भैया वाइट आउटफिट में, सुमित भैया इज ऑल्सो इन वाइट आउटफिट, एंड रोहित भाई इज इन येलो, आई एम ऑल्सो येलो। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन गया है। बारिश बिल्कुल अभी रुकी है और हम सच धज के जा रहे हैं बाबा जी के दर्शन करने। फ़ोन अलाउड नहीं है अंदर, तो अंदर के व्यू हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि इतनी दूर से हम आए मेहनत करके। फिर से पर्सन लगा, चलो भैया। तो यहाँ पे मास्क वितरण समारोह चला रहा है कार में थोड़ी देर के लिए रोहित भाई द्वारा। गाइड कर रहे हैं वो, हैं हमारे बुलबुल भाई, ही इज़ द रेसिडेंट्स ऑफ बनारस ओनली। तो अभी गाड़ी लग रही है अपनी पार्किंग पे। पार्किंग दो जगह होती है, एक जगह थी पार्किंग जहाँ पे मेन पार्किंग थी और ये पार्किंग है ये भाई, इतने बड़े मॉल में 30 रुपये की टिकट कटी थी। अभी हम बैठ लिए हैं ई रिक्शा पे, जहाँ से हमारी पार्किंग थी वहाँ से मंदिर का चौराहा रह जाता है 5 रुपये तक का सफ़र का। आ गए हैं जो काशी जी का, मुझे वो मंदिर का दर्शन वहाँ पे देखे। अच्छा, ये मेन कॉरिडोर ही तो है काशी जी का। हाँ, ये मेन कॉरिडोर है, यहाँ पे बहुत काम भी चल रहा है। देखो आपको मंदिर दर्शन कराते हैं। तो ये देखो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन, यहाँ पे स्क्रीन चल रही है। ओहो, हर हर महादेव। ये देखो, नहीं दिख रहा अब, दिखा। तो ये पार्किंग के नीचे जो है ये स्क्रीन चल रही है महादेव जी के, हर हर महादेव। ये
ये देखिए भाई, काशी जी का जो मेन प्रांगण है, प्रांगण नहीं कह सकते, कॉरिडोर कहेंगे इसको हम। सुमित भैया, हाउ आर यू फीलिंग? जय भोले हर हर महादेव। तो अभी देखिए, वही मैं यूट्यूब पे भी देख रहा था, अभी यहाँ पे काम ही चल रहा है, जब ये पूरा बन जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखो शिव शिव, बहुत ज़्यादा भीड़ है इस समय, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे लोकल मार्केट भी है, इसीलिए यहाँ पे और भी भीड़ बढ़ जाती है। मंदिर पता नहीं मुझे कितना दूर है, लेकिन ज़्यादा बात है कि जो है 11 बजे मंदिर बंद होता है, 12:30 बजे खुलता है। तो ये काशी में जो है बारिश होने लगी है। घर पर बैठो, बाहर निकलो, अभी वो अपना खड़ो उधार। तो भैया हो गई है बारिश बहुत ज्यादा, और इनके जितने भी चूड़ीदार पहन के आए हैं भैया लोग, सब गंदे हो जाएंगे। बहुत ही भयंकर बारिश हुई 5 मिनट की। ओहो, जो शंकर जी के दर्शन थे वो हमारे हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे मंदिर के प्रांगण में, कम से कम हमको 1 घंटा लग गया। बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो बहुत भीड़ है, पर दर्शन बहुत अच्छे हुए, दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। एक बार नहीं दो बार, हाँ एक बार नहीं दो बार, दो बार दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा लगा। देखिए काशी की गलियाँ हैं, जैसे ही हम लोग ने मंदिर प्रांगण में प्रवेश किया था पानी बहुत ज़ोर बरसा, लेकिन बच गए हम। मंदिर के अंदर कैमराज वर नॉट अलाउड, सो हाँ मोबाइल कैमरा भाई कुछ भी अलाउड नहीं था। तो ये देखो भाई, अभी बाहर निकालेंगे चौराहे पे बहुत बढ़िया बढ़िया फोटोज। बम बम बोले तो भाई, आज यार इतना प्रशासन आया है, पता नहीं सब दर्शन करने आए, इस मारे इतनी ज्यादा भीड़ है। ये देखो आप, फरखावादियों जैसे ही आए तुरंत जो है, ये देखो सामने जो है शंकर जी की प्रतिमा मूर्ति स्क्रीन चलती रहती है, और ये पार्किंग बनी है नई, इसी का मोदी उद्घाटन करने आए थे। ये मेन चौराहा है काशी विश्वनाथ जी का, ऐसे जाके ये, और ये देखो भैया पी रहे हैं सिकंजी, नहीं नींबू सोडा। चलिए यहाँ से हम लोग अब प्रस्थान कर रहे हैं, और ये काशी का जो मेन चौराहा था ये तो आपने देख ही लिया होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी भी है आज, अब चल रहे हैं अपनी पार्किंग की तरफ, और भीड़ भी आज बहुत ही ज़्यादा है। ये देखो भाई सीन देख लो एक बार दोबारा। तो हम बस निकल रहे हैं बनारस से, बनारस से नहीं मतलब काशी विश्वनाथ जी से, सावन चल रहे हैं इसीलिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही भीड़ है, हमें सुनाई नहीं दिए। तो अभी हम आए हैं क्या करने, डिनर लंच करने। तो ये आपका 80 घाट है, देख लो भाई क्या जबरदस्त घाट है 80 घाट, और उसके पास में ये रूफ टॉप वाला एक तमाशा था। फिर यहाँ से रिटर्न जाती है। आई होप कि आपको ये बनारस की सीरीज अच्छी लगी होगी। बनारस हम गए थे उस समय, जो दिन था जो समय था वो था 1 जुलाई, ना हम लोग गए थे 1 अगस्त के आसपास। वीडियो अपलोड हो रही है क्योंकि भाई मैंने आपको पहले बताया था बनारस में कंटिन्यू बारिश हो रही थी, और उस बारिश की वजह से मेरे भीगना भागना कम से कम हुआ 5 से 6 बार, 5 से 6 बार खोपड़ी गीली हुई, कोल्ड ड्रिंक पी, आइसक्रीम खाई भैया बुखार आ गया था बहुत तेज, और एडिटिंग में लगता है टाइम, क्योंकि एडिटिंग करना बच्चों का खेल नहीं है, इसीलिए वीडियो आप अब देख रहे हो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। वैसे बता दूं कि बनारस में अभी जब हम मैं सावन पे गया था उस समय क्या हो रहा था कि जो लॉकडाउन था वो सोमवार को लगा था, और सैटरडे को लॉकडाउन नहीं लगा था, क्योंकि सैटरडे को होती है कम भीड़, सोमवार को होती है ज़्यादा भीड़। इसीलिए अब आप जब जाएंगे तो मुझे नहीं पता उस समय कैसा सीन रहेगा, लॉकडाउन कितने बजे का होगा क्या होगा, लेकिन जब मैं गया था उस समय तो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इस वीडियो का वो होगा BHU के बारे में। तो भैया जो BHU की सीरीज़ है वो बिल्कुल मिस मत करना। हम लोग उस टाइम पे BHU गए थे, BHU से जब हम लोग निकले हैं, अरे आप पूरा नहीं बताएंगे भाई, देखना जाके वीडियो, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और इस वीडियो के बाद आएगी वृंदावन की वीडियो। भाई चैनल से जुड़े रहो, पूरा देश ना घुमा दिया तो मेरा नाम बदल लेना। सब्सक्राइबर आप लोगों जैसे बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं भैया, बढ़ाते रहो सब्सक्राइबर, बहुत मेहनत है। 200+ वीडियोस हो चुकी हैं हमारे चैनल पे, लेकिन सब्सक्राइबर 5000 हैं, पता नहीं यूट्यूब कहाँ हमें खुन्नस खाए बैठा है। बढ़ाए दो भैया, एक वीडियो, बस एक वीडियो अगर मेरी रैंक कर जाए ना भाई साहब, मज़ा आ जाएगा मज़ा। लेकिन देख रहे हो मेरी कंसिस्टेंसी, देख रहे हो मेरा वो, देख रहे हो क्या कहते हैं अंग्रेजी में,
मेरा देख रहे हो कितना लगन से मैं काम कर रहा हूँ भाई साहब, मजा आ रहा है। लेकिन काम जरूर करता रहूंगा हमेशा, चाहे चैनल चले ना चले। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मेरा चैनल दौड़ेगा यार 5,000 सब्सक्राइबर्स। एक टाइम आएगा जब मेरे 5,00,000 होंगे। हैं, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।